हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस की सेकेंड कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर जो कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, एक दिन पहले अपनी वेबसाइट पर कट ऑफ रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि जो ऑफिशियल डेट है 4 जुलाई है, 4 जुलाई को आपकी जो कम्बाइन कट ऑफ होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रिलीज़ होगी। तो आप 12 बजे के बाद देख सकते हैं रात में कट ऑफ। तो फिलहाल हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पर अभी कट ऑफ रिलीज़ हो चुकी हैं। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे सभी कॉलेज की कट ऑफ रिलीज हो चुकी होंगी, लेकिन हम यहाँ पर कुछ ही कॉलेज की डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें केशव महाविद्यालय की। तो यहाँ पर दोस्तों बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ गई है जनरल की 96, ओबीसी की 89 और ईडब्ल्यूएस की 94.5, एससी की 83 और एसटी की 75, पीडब्ल्यूडी की 73 और कश्मीरी माइग्रेंट्स की 78। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें बीएससी ऑनर कंप्यूटर साइंस की, तो जनरल वालों की 94 है, ओबीसी की 91 है, एससी की 82, एसटी की 75, पीडब्ल्यूडी की 80, ईडब्ल्यूएस की 92, कश्मीरी माइग्रेंट्स की 94। और इस कॉलेज में 1% रिलैक्सेशन मिल रहा है गर्ल्स को बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में। बात अगर करें बीएससी ऑनर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो जनरल की गई है 87.66, ओबीसी की 83, एससी की 73, बाकी एसटी क्लोजेस में पीडब्ल्यूडी की 68, ईडब्ल्यूएस की 87 और कश्मीरी माइग्रेंट्स की 78। यहाँ पर भी 1% रिलैक्सेशन गर्ल्स को मिल रहा है। इसी तरीके दोस्तों, मैथ्स ऑनर्स की अगर हम बात करें, तो 94.25 जनरल कैटेगरी की गई है, ओबीसी की 91.25 गई है, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 93.25 गई है। फिर यहाँ पर बीएससी ऑनर फिजिक्स की 94.33 जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की 91.33, एससी की 84.66, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 94 गई है। और यहाँ पर अगर हम बात करें बीएससी ऑनर साइकोलॉजी की, तो जनरल की 96.50, 93 गई है, ओबीसी की, एससी की 88, ईडब्ल्यूएस की 96.25। इसका आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। बात अगर करें शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ की, इसकी अगर हम बात करें बीएससी ऑनर कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ की, तो ओबीसी की 92% है, जनरल में फिलहाल अभी क्लोज हो चुके हैं, एसटी में 80% है, पीडब्ल्यूडी में 86% है और कश्मीरी माइग्रेंट्स में 92%, ईडब्ल्यूएस के भी इसमें एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। दोस्तों, गार्जी कॉलेज वुमेंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सेकेंड कट ऑफ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी है उसमें जनरल में क्लोज हो चुके हैं, ओबीसी की 94 पे ओपन है, एससी की और एसटी की और पीडब्ल्यूडी की 91 है और ईडब्ल्यूएस की 96% है, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए क्लोज हो चुके हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स की 96.5 है जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की 93 है, एससी की 88 है, एसटी की 85 है, पीडब्ल्यूडी की 88 है, ईडब्ल्यूएस क्लोज हो चुके हैं। इसके अलावा इंग्लिश ऑनर्स की अगर हम बात करें, तो 95.75 है जनरल वालों की, ओबीसी बंद हो गए हैं, एससी की 88 है, पीडब्ल्यूडी की 83 और ईडब्ल्यूएस 94। यहाँ पर अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की, तो जनरल वालों की 95.50 पे ओपन है और बाकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वालों की ओपन है 95 पर। ठीक है, बाकी जो 86 है वो कश्मीरी माइग्रेंट्स की है, बाकी ओबीसी और एससी एसटी की इस कोर्स में क्लोज हो चुके हैं। बीकॉम ऑनर्स की दोस्तों 96.5 जनरल की खुली हुई है, एससी की 86, एसटी की 80, ओबीसी की बंद हो गई है, 96 ईडब्ल्यूएस पे खुली हुई है। बीएससी ऑनर बोटनी की बात करें, तो 91 जनरल वालों की खुली हुई है, ओबीसी की 88 है, एसटी की 75 है और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की 60 है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, तो ईडब्ल्यूएस की 90 पर खुली हुई है। इसी तरीके से दोस्तों, यहाँ पर बीएससी मैथ्स की जनरल में 95.5 खुली हुई है, ओबीसी में 94 है, ईडब्ल्यूएस में जो है वो 95 ओपन है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करिए। आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बीकॉम ऑनर्स की जनरल कैटेगरी में 94.5 है अभी ओपन है और ओबीसी में 87% है, तो ईडब्ल्यूएस में 94 है, बाकी पीडब्ल्यूडी में 74 है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें बीएससी ऑनर बोटनी की, तो जनरल में 89 ओपन है, ओबीसी में 84 है, एससी में 79 है, एसटी में 71 है, ईडब्ल्यूएस में 88.66 है। और यहाँ पर बीएससी ऑनर मैथ्स की अगर हम बात करें, तो 94.5 जनरल की खुली हुई है, ओबीसी की 92.25 है, 86 एससी की है, 74.75 एसटी की है और यहाँ पर अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो 94 पर ओपन है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर और भी कोर्सेज हैं, इनकी भी आप चेक कर सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा पीजीडीवी कॉलेज बात करें नेहरू नगर न्यू दिल्ली की, तो
हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, ये दोस्तों बीए प्रोग्राम भी कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस कॉम्बिनेशन की अनरिजर्व की 87 खुली हुई है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इकोनॉमिक्स की 87 है, जनरल की यहाँ पर है, ओबीसी की 83 है। ठीक है, यहाँ पर ऑलमोस्ट दोस्तों कोर्सेज की सेम ही है कॉम्बिनेशन की। ठीक है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होगा, बाकी जनरल की ऑलमोस्ट चार सब्जेक्ट की जो कॉम्बिनेशन है पाँच, उनके ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम ही कट ऑफ रखी गई है। पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स की जनरल की 87 है, ओबीसी की 83 है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जीसस एंड मैरी कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स के बंद हो चुके हैं एडमिशन, और बीकॉम के भी बंद हो चुके हैं अभी फिलहाल, इंग्लिश इकोनॉमिक्स ऑनर के भी बंद हो चुके हैं। ठीक है, हिंदी के 84% पे खुले हुए हैं, बाकी यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी कॉलेज के बंद हो चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज के। देश बंधु कॉलेज की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बीए प्रोग्राम का जो कॉम्बिनेशन है फिलोसफी प्लस पॉलिटिकल साइंस, इनके जनरल के क्लोज हो चुके हैं, ओबीसी के 78.75 हैं, एससी के 76.75 हैं। ठीक है, और कॉम्बिनेशन की बात करें तो संस्कृत प्लस फिलोसफी के जनरल के 84 पे ओपन हैं। ठीक है, इसी तरीके से संस्कृत प्लस पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत प्लस हिस्ट्री, इन दोनों के भी जनरल के 84 पर एडमिशन ओपन है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स, तो इनके जनरल के 86 पर ओपन है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बीए प्रोग्राम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कट ऑफ है देशबंधु कॉलेज की। दोस्तों माता सुंदरी कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीकॉम प्रोग्राम में जनरल में 90% पर एडमिशन ओपन है, चूँकि ये माइनॉरिटी कॉलेज है तो यहाँ पर सिख माइनॉरिटी है, 85% पर इनके एडमिशन ओपन है पीडब्ल्यूडी के 78 पर। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो बीकॉम ऑनर्स के भी 92 पे, बीए ऑनर्स इंग्लिश के 90 पे, हिंदी के 68 पर, हिस्ट्री के 84 पर, पोल साइंस के 87 पर, फिलोसफी के फिलहाल बंद हो गए हैं, बीएससी मैथमेटिक के भी फिलहाल जनरल वालों के लिए बंद हो गए हैं। हो सकता है दोस्तों जिन जिन कॉलेज में एडमिशन सेकेंड कट ऑफ में क्लोज हो चुके हैं, थर्ड कट ऑफ में उनको खुल भी सकते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर लोग कैंसिल करवाएं एडमिशन, तो थर्ड कट ऑफ में इनके जो कोर्सेज के एडमिशन है वो ओपन भी हो सकते हैं। दोस्तों सत्यवती इवनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गिवन है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की, जनरल की 84 है, ईडब्ल्यूएस की 83.5 है, ओबीसी की 81 वगैरह है। ठीक है, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस की जनरल की 82.5 है, ईडब्ल्यूएस की 82 है, ओबीसी की 79 है, और इसी तरीके से तो और भी कट कॉम्बिनेशन है, उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप कॉलेज की रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर जाएंगे, सिंपली आप कॉलेज का नाम लिखेंगे और वेबसाइट लिख देंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी, और वहाँ से भी आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों एसआरसीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स के 98 पर खुले हुए हैं जनरल वालों के लिए, और बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स से क्लोज हैं फिलहाल, और ईडब्ल्यूएस के बीकॉम ऑनर्स के 96.75 पर खुले हुए हैं, और इकोनॉमिक्स के 97.5 पर, और ओबीसी के 95.75 पे बीकॉम ऑनर्स के खुले हुए हैं, और फिलहाल इकोनॉमिक्स ऑनर्स के ओबीसी पे क्लोज हो चुके हैं। दोस्तों रामानुजन कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेकंड कट ऑफ में बीकॉम ऑनर्स के जनरल के 94.5 पे ओपन है, ओबीसी के 87 पर, और यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट 85 है, ईडब्ल्यूएस के क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स के जनरल के क्लोज हैं, ओबीसी के 84 पे ओपन है, और पॉलिटिकल साइंस के जनरल के क्लोज हैं, ओबीसी पे 85 पे ओपन है, ईडब्ल्यूएस से क्लोज हैं। ठीक है, बीएससी मैथ के जनरल में 93 पे ओपन है इस कॉलेज में, 91 में ओबीसी पे ओपन है, और ईडब्ल्यूएस पे 92.5। और भी कोर्सेज हैं, इनका भी आप चेक कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। तो दोस्तों ये थे कुछ कॉलेजेस जहाँ पर हमने आपको कट ऑफ बताई, आई होप ये आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो वो बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कट ऑफ के बाद का क्या प्रोसीजर रहता है उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।